धारचूला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेल्मा रांधी में 5 साल से स्थायी शिक्षक न होने के कारण 100 रुपए प्रति बच्चे लेकर प्राइवेट शिक्षक की नियुक्ति कर अभिभावकों ने इस विद्यालय को संचालित कर रखा है। इसके बाद भी यहां शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। वर्तमान में 27 छात्र छात्राएं यहां पढ़ रहे हैं। विद्यालय में 5 साल से सरकारी शिक्षक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि हमें अपनी जेब से ही पैसा जमा कर बच्चों को पढ़ाना है तो सरकारी विद्यालय में क्यों पढ़ाएं। उन्होंने नए शिक्षक सत्र में स्थायी शिक्षक की नियुक्ति न होने पर बच्चों के साथ धारचूला तहसील में आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। विकास खंड धारचूला के अंतर्गत रांची की प्राथमिक विद्यालय सेल्मा में अध्यापक न होने पर वहां के छात्र छात्राओं को और अभिभावकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गांव वालों के द्वारा 100 रुपए प्रति छात्र देकर सरकारी स्कूल में एक गांव के ही युवा को रखा गया है जिससे विद्यालय सुचारू किया गया है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल अध्यापकों की नियुक्ति किया जाए। शीघ्र अध्यापकों की नियुक्ति न होने पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। रानीखेत बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई और उनके भांजे पर भतरौंज खान थाने में प्रधान से मारपीट की शिकायत दर्ज की गई है। इस मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। इसी बीच विधायक प्रमोद नैनवाल का कथित ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसे कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज पर शेयर किया है। वहीं इस ऑडियो के जरिए कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी बीजेपी विधायक के भाई का नाम उद्यान विभाग के घोटाले में सामने आया था। अब बीजेपी विधायक के भाई और भांजे के खिलाफ एक प्रधान के साथ मारपीट और गाली गलौज के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को तेलंगाना के निजामाबाद जिले पहुंचे जहां उन्होंने निजामाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद धर्मपुरी के लिए रोड शो किया। वहीं धामी ने वारंगल से भाजपा प्रत्याशी अरूरी रमेश के समर्थन में भी प्रचार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में केरल की कुल 20 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें, राजस्थान की 13 सीटें, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 सीटें, मध्य प्रदेश की 6, बिहार और असम की 5-5 सीटें, बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटें, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर मतदान होगा। 88 लोकसभा सीटों पर कुल 1202 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता ईवीएम में बंद कर देगी। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है जिसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। इस बार आचार संहिता लागू होने के कारण चारधाम यात्रा के पोस्टर बैनर्स पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फोटो का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। आचार संहिता होने की वजह से सरकार भक्तों के स्वागत और अन्य किसी भी तरह से संबंधित विज्ञापन नहीं दे पाएगी। इसके साथ ही कई ऐसे जरूरी काम है जिनके लिए निर्वाचन आयोग से परमिशन लेनी होगी। फिलहाल निर्वाचन आयोग ने चारधाम यात्रा से जुड़े शुरुआती कामों को हरी झंडी दे दी है और सभी काम शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है और यही निर्देश दिए गए हैं कि 10 मई को जब कपाट खुलेंगे उसके पहले जितने भी काम पूरे होने हैं उनको समय से पूरा कर लें और श्रद्धालु जो आएँ उनको कहीं कोई कठिनाई ना हो उसके लिए नए इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे लिए जा रहे हैं। उनको कियोस्क बना के भोजन की सुविधा रहेगी, मंदाकिनी पथ से जाएंगे वो दर्शन करने के लिए, वो एक नई व्यवस्था रहेगी। बहुत सारे नए टॉयलेट्स भी बनाए जा रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं को कहीं भी कोई कठिनाई ना हो। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पुलिस ने अपना एक्शन प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। महकमे ने इस बार कई आकस्मिक प्लान तैयार करने का फैसला लिया है जिससे आतंकी हमले या बम विस्फोट जैसी घटनाओं से भी निपटा जा सके। यही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप या भूस्खलन जैसी घटनाओं से निपटने के लिए भी पुलिस प्लान तैयार कर रही है। इस कड़ी में अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमन ने अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली जिसमें उन्होंने प्रदेश भर के वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज़। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। नमस्कार, प्रणाम। पहला के 24 न्यूज़ जो कि हमारे उत्तराखंड का है, हमारे उत्तराखंड के लोगों का है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अगर ये यूट्यूब में है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे उत्तराखंड के चैनलों को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।